तो वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जो है JKSSB मैथ एंड स्टेट वाला जो पोर्शन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने इस पे एक दो लेक्चर अपलोड करके रखे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा और इसमें हम डिस्कस करने जाएंगे एडिशन ऑफ मैट्राइसिस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। एडिशन स्टार्ट करने से पहले एक टाइप जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस उसमें रह गया था, वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ फिर आगे एडिशन ऑफ मैट्राइसेस पे चले आते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड द टाइप वाज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पिछले वाले वीडियो में रह गया था, सो विल जस्ट ट्राई टू डिफाइन, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। लेट वी विल कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, आई जे एम बाय एन विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, यहां से बात स्टार्ट होती है, इफ क्या चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, इफ ए सब आई जे इज इक्वल 1 और 0। 1 कब होगा जब i होगा इक्वल j के, और 0 कब होगा जब i इज नॉट इक्वल j, ठीक है। ये रहेगी डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लिखने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ले लू, दैट इज अगर मैट्रिक्स a है, लिखना तो आपको आता ही होगा, ये दिस वन इज अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आर्डर 2। तो ये वाली मैट्रिक्स इस डेफिनेशन से आइडेंटिटी कब बनेगी, यू राइट देन ए इज identity if a 1 1 as i is equal to j, यहां पे a 1 1 और a 2 2, यहां पे भी i equal to j के, इसको equal होना पड़ेगा 1 के, ठीक है। एंड साथ में क्या होना पड़ेगा, जहां पे a 1 2 है a 2 1 है तो इसको होना पड़ेगा 0, ठीक है, तब ये वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, आइडेंटिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिनोटेशन इसकी क्या रहती है, आई 2 से समझ आता है हमें, इट्स ऑर्डर इज 2, दैट इज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर 2। Okay, so this was all about identity matrix, ठीक है। अब यहां पे आप लिख सकते हो एक, यू कैन से इट्स ट्रू फॉल्स, एवरी matrix is a square matrix. ठीक है, which is true because non स्क्वायर, इफ यू जस्ट लुक एट द डेफिनेशन, डेफिनेशन में पहले ही बात आती है कि इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर कोई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसे स्क्वायर होना पड़ेगा,
Now this is a identity matrix of order 2. Similarly, you can just write identity matrix of order 1 is this. Okay. Using Ushakko, isn't it? We can write this one as it is this matrix. It's A 1 1 only. And by definition, I is equal to J. So it has to equal 1. अब इसमें तो बाकी क्या है नहीं वायर आई इज नॉट इक्वल टू जे सो इट इज जस्ट दिस वन सो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड सिमिलरली वी कैन राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हियर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी